Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. सब दोबारा वापस आए इनको स्ट्रीम में. अरे वाह. अच्छा पहले इनसे पूछ ले कि हाइपर तो नहीं है. हाइपर मोड में है क्या? नॉर्मल है. भाई मैं आप लोगों की तरह हाइपर नहीं रहता हूँ, नॉर्मल ही रहता हूँ हमेशा. देखो कल आपका हाइपरनेस देखे थे साहब. हर एक का स्टाइल होता है, मेरा स्टाइल ही है ये बात करने का. भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाइपर मोड में बात नहीं करिएगा, ठीक है? अपनी बात रेफरेंस के साथ रखिएगा, ठीक है? आप एडम की बात में नहीं टोकिएगा, ठीक है? जब आपकी बात होगी तो एडम आपको नहीं टोकेगा. इन बातों का ख्याल रखिए ताकि डिस्कशन जो है ना वो सरदर्द नहीं बने. कल का आपका जो डिस्कशन था वो ज्यादा सरदर्द बन गया था एक्चुअल सेशन के मुकाबले में. तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि ये जो आपका जो सेशन हो, अभी जो बातें हो वो फ्रूटफुल हो. ठीक है सर, इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है? एब्रोगेशन, इस टॉपिक पे एब्रोगेशन से सबसे पहले तो मैं ही पूछूंगा कि आपने टाइटल लगाया एब्रोगेशन इन इस्लाम, आप एब्रोगेशन से क्या समझते हैं? सर चार, मुझे लग रहा है कि बेसिकली आपके चार घंटे हम क्या समझते हैं वो बताया गया आज. 4 hours. मैं आई थिंक कि मैं नहीं था, तो मैं पहले आपसे एक दफा समझ लूँ ना कि नहीं सर, चार घंटे की बात मैं आपको 2 मिनट में तो नहीं समझा सकता. अरे कैसे नहीं समझा सकते, आपका अपना डिफिनेशन होगा ना कि व्हाट इज एब्रोगेशन. सर आप समझा दें. मुझे लगा कि आप लोग शायद ये ऐसा नहीं है. हाँ मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, बोलने दीजिए मुझे. आप खुद बोलिए, सवाल ना कीजिए क्योंकि मैंने 4 घंटे समझाया. नहीं नहीं सवाल मैं आपको बीच में करता रहूंगा आपसे, आप नोट डाउन करते रहिए फिर मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा. तो मुझे लगता है कि आपने जो सवाल, आपके जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है नस्क की, वो वही है जो मुतज़िला की रही है कि नस्क जो है ना वो एक बुरी चीज है. आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली कि नस्क आने का मतलब, यानी कि नस्क जो है यानी एब्रोगेशन जो है ना वो मतलब के बुरी चीज है, मतलब की अच्छी चीज नहीं. मैंने तो नहीं कहा. कंफर्मेशन ले लो इनसे. सो आपके मुताबिक कुरान की कुछ आयात को कुरान की कुछ आयात ने एब्रोगेट किया है, हाँ या ना? हाँ किया है ऑफ कोर्स. यही मैं पूछने वाला था. आपसे पहले जो भाई आए थे उन्होंने इनकार किया है. तो इसका मतलब है कि कुरान में अल्लाह मियां ने कुछ अहकामात पहले दिए जिनको अल्लाह मियां ने बाद में एब्रोगेट कर दिया, नासख मनसूख कर दिया और दूसरी तरह के अहकामात दिए. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर अल्लाह ताला जो एक अहकाम पहले दे रहा है तो उसको मनसूख कर रहा है सिर्फ कुरान में नहीं. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एब्रोगेशन इन इस्लाम ना, तौरात को मनसूख किया अल्लाह ने, इंजील को मंसूख किया अल्लाह ने, नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत को मंसूख किया अल्लाह ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत को मंसूख किया अल्लाह ने, तो सबको मंसूख किया, सिर्फ कुरान की चंद आयात को नहीं, बल्कि इससे पहले जो बाइबल है, तौरा है या जो मोसेस यानी कि जो दूसरे कानून थे सबको मंसूख किया. तो एब्रोगेशन का ये मतलब है कि सबको मंसूख किया सिर्फ कुरान. आप ये बताएंगे कुरान में एक आयत जो बताए कि तौरा और इंजील को मंसूख कर दिया गया? नहीं, हदीस में आया है, मैं चारों को मानता हूँ. अच्छा, हदीस में आया कि मंसूख कर दिया गया, कुरान में नहीं आया? नहीं है. ओके, जब नासिख को, कुरान जब नासिख को मंसूख की बात कर रहा है तो आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स तोरा और इंजील को बीच में नहीं लाते, वो कुरान को लेके आते हैं. आपका कुर्तबी, आपका, अच्छा किसको लाते हैं? वो मतलब सारी चीजें उसमें मुराद हो सकती है, सारी चीजें जो मतलब तौरात भी मुराद हो सकती है उसमें, इंजील भी मुराद हो सकती है उसमें, जो भी शरीयत पहले थी सब मुराद हो सकती है. चले फिलहाल मैं इस चीज के ऊपर बहस नहीं करूंगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा. अभी हम सिर्फ वो आखिरी पार्ट जो है ना कुरान वाले पार्ट को ले लेते हैं. ठीक है, क्यों नहीं, नहीं एब्रोगेशन इन इस्लाम में हम सबको लेंगे सर, कुरान को नहीं. मुझे आखिरी पार्ट को लेना ना जरा, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, दूसरा टॉपिक है. ठीक है, अच्छा आप मुझे कह रहे हैं कि कुरान जो कि लोहे महफूज पे महफूज था दुनिया को क्रिएट करने से पहले भी, हाँ ना? तो उस कुरान में अल्लाह ने महफूज करके रखा और फिर अल्लाह ने वो कुरान जब फाइनली मोहम्मद साहब पे रिवील किया, ठीक है, और फिर उन्होंने एक दिन कुछ और कहा और कुछ अरसे बाद उसको कुछ और कह दिया, और ये आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है? कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? अल्लाह मियां ने अपना माइंड चेंज किया क्या? अल्लाह मियां ने अपना माइंड चेंज किया? अल्लाह ताला ने माइंड चेंज नहीं किया, अल्लाह ताला ने हालात के तहत हुक्म को
बदल दिया। 23 सालों में हालात चेंज कर दिए। मूसा की कितनी उम्र थी? मूसा की उम्र कितनी थी? मुझे नहीं मालूम, मे बी 80, 100, 150, कितनी भी हो सकती है। 80-100 साल थी। कितनी भी हो सकती है यार, 40 साल तो, 40 साल तो वो सहरा में घूमता फिरता रहा है मूसा अपनी। कितनी भी उम्र थी मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो बता दीजिए, आप किस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं इस चीज। सर काफी लंबी उम्र थी ना, 200-250 साल, 400 साल, 500 साल, उस जमाने में लंबी उम्रें थी। ठीक है, तो आप पहले तोरा पूरा का पूरा एक दफा नाजिल हो गया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं। तोरा पूरा का पूरा एक दफा नाजिल कब से कायम हो गया? कुरान कहता है कि तोरा एक ही दफा में नाजिल हुआ। नहीं नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी थी? तोरा के दौरान यार सुकून तो लो ना यार, तोरा के दौरान में तो कोई नासिख मनसूख नहीं आई। ठीक है, उसके बाद किसने कह दिया आपको ये किसने कह दिया आपको कि नासिख मनसूख नहीं आई? मुझे हमारा ये मानना हमारा ये मानना है लाइक द अर्ली स्कॉलर्स एग्रीड, अब अर्ली स्कॉलर अर्ली स्कॉलर्स की बात करते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स एग्रीड कि तौरा और बाइबल के अंदर भी नस्ख मौजूद है। वो नस्ख उसके अंदर मौजूद है तौरा के अंदर? हाँ, तौरा के अंदर मौजूद है नस्ख। मुझे अपने अर्ली स्कॉलर का सोर्स दीजिए जो बताए कि तौरा के अंदर नस्ख मौजूद है और वो ये वाला नस्ख है, प्लीज बताइएगा दलील। हाँ मैं दलील देता हूँ, ये एक मिनट में देख लूँ निकाल के आपके। जी निकाले। Meanwhile, X2G, आप बता सकते हैं कि शायद आपको अरबी भी आती है, मतलब मदरसे से पढ़े हुए हैं आप या कोई online? अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं JNU से मैंने जो है PhD की है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओहो, और मैं एथिस्टों के साथ कम्युनिस्टों के साथ ये जिंदगी गुजारी। ओहो हो हो हो, और JNU में की है ना, लेकिन इस्लामिक इस्लामिक जो आपकी नॉलेज है वो कहाँ से ली आपने? वो भी JNU से लिए? मैं ट्रेडिशनल सुन्नी हूँ और मेरी जो इस्लामी तालीमात है वो बिल्कुल रिवायती अंदाज में घर पे हो गई। अच्छा, मतलब मैं मदरसे का फारिग नहीं हूँ। मदरसे जिस तरह से पहले हमारे यहाँ, पहले जिस तरह से हमारे यहाँ चलन था असातिज़ा का, मतलब कि पर्सनल बेसिस पे मैंने जो है मतलब इस्लामिक उलूम मैंने सीखे हैं पर्सनल बेसिस पे। ठीक ठीक है, ठीक है, आप अभी वो दलील सुनिए। सेल्फ प्रोक्लेम्ड है सर, बेहतरीन। ओके, सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं हूँ सर, करें सर, अभी आप दलील ढूंढे सर, दलील ढूंढे सर, दलील ढूंढे। नहीं नहीं, आप मैं आपके यानी कि इस गलत फहमी को दूर कर दूं कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम दूं। दलील लाए सर। हाँ ला रहा हूँ, एक मिनट ला रहा हूँ, चिल करें ना, थोड़ा चिल करें, थोड़ा चिल करें ना, मुझे मतलब। अच्छा, माहौल माहौल शांत रखे। देखे ना, ये देखे, ये जब ये इस टाइप की बातें करते हैं ना, तो मैं तो इस किस्म के मामले में आपको पता है सर, मैं तो बर्दाश्त नहीं करता, आपके चैनल में बर्दाश्त कर लेता हूँ। PhD है हमारे डॉक्टर साहब है वो, है ना, डॉक्टर X2 बोलना पड़ेगा उनको। ठीक है, ले लो ले लो, ले लेते हैं स्टडीज में। ठीक है, मैं PhD कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज में। ये देखो, वो बोली जा रहा था, पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, बोली जा रहा है वो, बोली जा रहा है उसको। अच्छा एक मिनट, एडम एक मिनट, एडम एक मिनट, X2 साहब प्लीज चिल, आप वो दलील पेश करते। इसको जो है यहूदी उलमा बदा से ताबीर करते हैं और इसको एक कमजोरी समझते हैं। ठीक है, यहूदी उलमा इस बात के मुनकिर हैं सर, मैंने आपसे मैं दलील दे रहा हूँ ना, मैं दलील दूंगा आपको किताब का। रेफरेंस दें सर। हाँ, रेफरेंस दूंगा भाई, दे दे। ये तकी उस्मानी साहब ने जो है उलूमुल कुरान के अंदर ये बात लिखी है। ओके, ये तकी उस्मानी साहब कब की है? अभी के हैं, जिंदा हैं। आप तो अभी हम बात कर रहे थे अर्ली स्कॉलर्स की, आप कहाँ पे ले आए? मैंने आपसे बात की थी अर्ली स्कॉलर्स की, आप तकी उस्मानी के ऊपर ले आए? मुझे सर कुर्तुबी दिखाएं, मुझे इब्ने कतीर दिखाएं, मुझे जलालुद्दीन सय्यूती दिखाएं, मुझे कोई सोर्स दिखाएं। सय्यूती भी मुतकद्दिमीन में नहीं आते हैं सर, गोली मार दे, निकाल दिया सर, गोली मार दिया। इब्ने कतीर दिखा दें, इब्ने कसीर भी मुतकद्दिमीन में नहीं आते हैं। अच्छा, कौन आते हैं? जो आते हैं उसको उसका बता दे, जो आते हैं उसका बता दे। मुतकद्दिमीन में तिबरी आते हैं, तिबरी दिखा दे, मुतकद्दिमीन में जो एक बोल दो ना आपको, इसी तरह कुर्तुबी दिखा रहे हैं या कुर्तुबी दिखा रहे हैं, कुर्तुबी आते हैं? एक मिनट, नहीं कुर्तुबी लाइक वो मुतवस्सित में आते हैं, वो मुतकद्दिमीन में नहीं आते। तिबरी आते हैं, तिबरी आते हैं, सेंचुरी पे। चले तिबरी दिखा दें प्लीज, तिबरी खोल लें, आपके पास होगा ना सर, खोल के ये देखें। क्या किस आयत में आयत है ना, नुनसिया की देखिए तफसीर क्या है,
बल्कि इवन देखिए आप वो मत जाइए, ये देखिए जो किताब है ना, जो खुद तौरा है, तौरा में ये बात आई है, पढ़ लिए स्कॉलर्स को गोली मार। सर मुझे तौरा की जरूरत नहीं है, तौरा में क्यों नहीं है भाई, जब तौरा में, जब तौरा में खुद आ रहा है कि तौरा के अंदर तंसीख हुई है, तो इससे बड़ी आपको नहीं, तौरा जब तौरा के अंदर खुद आ रहा है, तौरा मैं नहीं मानता हूँ ना, लेकिन ओके अगर भाई नहीं मैं मानते हैं मानता तो हूँ, मुझे मैं प्रॉब्लम तौरा नहीं को है। मानता हूँ, एक मिनट, अच्छा मैं तौरा को मानता हूँ, लेकिन लेकिन तो भाई बोल ही नहीं देते, ये बोल ही नहीं देते। अच्छा एक मिनट एडम एडम उनको 1 मिनट दे दो पूरा बोलने के लिए, उसके बाद अपनी बात रखो, बोलो बोलो एक्सक्यूज। तोरा को मैं मानता हूँ एज अ बुक, बट उसको एज यानी कि प्रोटेक्टेड बुक नहीं मानता, ठीक है। तो तोरा के अंदर खुद जो है तसनिया के बाब 20:15-18 में आया है, खुदावन तेरे खुदा खुदा तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरे मानी एक नबी बरपा करेगा, तुम उसकी सुनना, ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावन अपने खुदा से मजमे के दिन हौरब में की थी, कि मुझको ना तो अपने खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और न ऐसी बड़ी आग का ही नजारा हो ताकि मैं मर न जाऊं, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरे मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी इन बातों को जिनका वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। इसमें साफ आ रहा है कि ये नस्क जो है ना वो तोरा के अंदर भी है, तोरा के पूरे कॉन्सेप्ट में, तोरा के पूरे कॉन्सेप्ट में मैं बोलूं ना, तोरा के कॉन्सेप्ट में, अरे आपने जो बोल तो आयत दूं यार, पढ़ी है यार, रुक जाओ, ये जो आयत पढ़ी है इसमें कोई नस्क नहीं आ रहा, इस आयत अरे में बोल तो दूं नस्क यार, नहीं मैं आती कंप्लीट तो कर लूं, फिर आप यार। नस्क का नस्क कॉन्सेप्ट ही नहीं नस्क समझते, दिखाइए फिर आप मुझे, नस्क नस्क का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि आपको नस्क का आपने माने। मुझे यार बोल ही जाएगा यार, बोल ही जाएगा, पागल कर नहीं देता है नहीं नहीं बंदा। देखिए हम टाइमर अभी बात, टाइमर लगा दो, हाँ हम अभी बात टाइमर कर लगा रहे थे, दो। हाँ नासिख व मनसूख की, यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। जो इन्होंने पढ़ा भी है कि मैं एक प्रॉफिट भेजूंगा उसके मुंह में मैं अपना कलाम डालूंगा, इसमें सेम नस्क बात वाली कौन सी बोलूंगा। बात है? नंबर एक। नंबर दो, तोरा को तोरा, मूसा को तोरा, मूसा के जमाने में एब्रोगेट होनी है, ये बात हो रही है। कोई और प्रॉफिट आया है और वो उस वक्त उस जमाने में नई तालीमात लाएगा, इट हैज नथिंग टू डू विद तोरा, वो एक बात का प्रॉफिट आएगा। तोरा के जमाने में, मूसा के जमाने में, मूसा की कही हुई चीजों को मूसा ने एब्रोगेट किया हो, ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन था। तो X2 साहब, अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया तो अब आए और बात रखें। तो फिर आपको ये भी मालूम नहीं है कि तोरा क्या है, तोरा जो है ना आप जो कह रहे हैं कि मतलब आपको फिर ना तो नस्क का कॉन्सेप्ट पता है ना फिर तोरा का कॉन्सेप्ट पता है, मतलब आपको नस्क नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आप सिर्फ लफ्ज जो नस्क है ना वो देखना चाहते हैं कि इसमें है कि नहीं, तो इसलिए मैंने पहले ही आपसे पूछा था कि आप नस्क समझते क्या है भाई, वो पहले क्लियर कर लो ना कि X2 आपका तस्वुर नस्क है सुनोगे क्या। यार, यार फिर बोली जाएगा, बात रिपीट क्यों बोलूंगा करते हो यार? I have no एक्सपी idea, साहब, man. एक क्वेश्चन पूछते हो, रुक जाओ ना थोड़ा। इट्स सो हार्ड टू टॉक विद दिस गाय सीरियसली, बट एनीहाउ लेट मी आंसर हिम। देखो नस का मतलब यह है कि इस कुरान को इसी कुरान की आयतों ने इसी कुरान के अंदर नासख किया। तोरा जो मूसा के पास आई, मूसा की तोरा को मूसा ने अगर एब्रोगेट किया है तो मैं मानूंगा, अगर मूसा की तोरा को ईसा ने एब्रोगेट किया है तो मुझे मसला नहीं है। इन दोनों के दरमियान 4 से 5 हजार सालों का फर्क है, वो एक सेपरेट चीज है। मैं बता रहा हूं 23 सालों के अंदर मोहम्मद के कलाम जो मोहम्मद को दिया गया उसको मोहम्मद साहब ने खुद एब्रोगेट कराया अल्लाह के कलाम से। इसीलिए एक प्रॉफिट मूसा, उसका कलाम मूसा खुद नस्क करे आयात को, वो बताना है आपने। प्लीज लेफ्ट राइट ना जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आवाज नहीं आ रही X2 साहब आपकी। तो ये जो नस्क का तस्वुर आप बयान कर रहे हैं ये आपका अपना यानी कि गढ़ा हुआ है, तो ये वैलिड ही नहीं, सबसे पहले बात कि मुसलमान आपके आपके तस्वुर के हिसाब से क्यों जवाब दें नस्क का। नस्क का जो तस्वुर मुसलमानों में रहा है वो उसको डिफेंड करते हैं, आप अपने मन से शरायत पैदा कर देंगे नस्क के अंदर कि हाँ नस्क का मतलब ये होता है, तो चिल आप चिल करिए, आप अपने मीनिंग पैदा करिए कि इसका मैं ये मीनिंग समझता हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो मैं चीज हमारे यहाँ भी तो मौजूद हो उस समय आपने अभी अभी नस्क। सुन ले, अभी अभी आपने बताया कि कुरान की कुछ आयात को कुरान की कुछ आयात एब्रोगेट करती हैं, हाँ या ना? करती हैं ओके, मैंने आपसे यही कहा था कि मुझे मूसा की शरीयत में, मूसा के जमाने में, मूसा की ही तोरा में, मूसा के जरिए ही नस्क दिखाएं।
तो ये सबसे पहले तो यही पूछूंगा ना कि नस्क सिर्फ इसी को थोड़े ना कहते हैं कि एक मुझे नबी ये जो है चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, नहीं, मुझे ये वाला चाहिए। क्या जरूरी है कि ये वाला मिल जाए जब ये मुझे नस्क का आधा तसव्वुर नहीं, है, जब मुझे ये वाला चाहिए, क्या आप दिखा सकते हैं? आपने कहा था हाँ मैं एविडेंस देता हूँ, मैंने आपसे सवाल ये किया था और आपने कहा था हाँ मैं एविडेंस देता हूँ। अब आप जलेबी बना रहे हैं, पहले तो बोले कि आप गलत कह रहे थे उस वक्त, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मूसा की शरीयत में नहीं है। प्लीज, म्यूट है क्या वो? नहीं अनम्यूट है, भाई मैं बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो क्या? आवाज नहीं जा रही मेरी? आवाज जी, हेलो आवाज नहीं आ हेलो, रही थी आपकी, आवाज रुक गई आपने थी साहब मेरा आपकी। सवाल सुन लिया तो फिर भाई उसका पता नहीं जवाब आप लोग म्यूट कर देते हो शायद, तो ये जो नस्क का ये, तसव्वुर है ना, एक सेकेंड एक शायद सेकेंड म्यूट कर देते एक हो, मुझे सेकेंड एक मालूम नहीं। सेकेंड तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं तुम्हें म्यूट नहीं करता हूं, फिर और मेरी इसके आवाज कैसे बाद नहीं जा रही? मैं तुम्हें स्ट्रीम से ही निकाल दूंगा वाह, ये जब करोगे ना मुझे, जब आ हाँ जाएगा? जब नहीं, मुझे, जब कोई बंदा तुम्हारे ऊपर जब यानी कि खुद यार तुम्हारे ए, घोंडे पड़ने ओए को ओए जाहिर सुन करेगा तो ये ओए ओए करोगे सुन ओए ओए जब सुन कोई? ओए हाँ सुन, सुन, ओके ये देखा, अब देखा ना, यही मसला है ना इन लोगों के साथ, सुनना नहीं है। देखो जी, सब लोग देख रहे हैं, इन्होंने एक चीज को क्लेम किया और जब हमने इनसे पूछा तो ये अब उस क्लेम का एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर सक रहे, दोबारा से बोलते जा रहे हैं गलत तरीके से, और फिर हमारे ऊपर ब्लेम लगाया कि हम म्यूट करते हैं। मैं म्यूट नहीं करता हूँ, जब ये बोल रहे हैं, इनको जवाब दे रहे हैं, बोलने आगे से देते नहीं है, तो इनके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा अगर ये तमीज से एक रीजनेबल तरीके से बात नहीं कर सकते, दोबारा इनको ऐड करते। तमीज से बात कर। अच्छा एच2 चलो भाई, इससे पहले आप कंटिन्यू करें, आपने इसके पहले का डिस्कशन देखा? हाँ, बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मतलब एनेबल थे जवाब देने से मेरे। नहीं, सलमान सलमान भाई के साथ जो डिस्कशन हुआ आपसे नहीं, पहले, मैंने मैंने बहुत नहीं देखा, मैंने बस अभी ज्वाइन किया आपका डिस्कशन, अच्छा मैं सुन नहीं रहा था। उनको एक भी बार बैक स्टेज किया गया? उनको एक नहीं भी बार करते नहीं ना, किया क्यों गया? क्यों ठीक है, क्योंकि वो लोग आपके हिसाब से बात करते हैं, वो जवाब देने यानी दे नहीं नहीं यार पाते हैं, तो बैक बिल्कुल, स्टेज कर नहीं उन्होंने पाते बिल्कुल आप। नहीं, ये सही। है कि आपका जो जवाब देता है आप उसको बैक स्टेज कर देते हो, जो जवाब नहीं अच्छा देता उसके साथ मजे में एक बात मिनट करते हो। X2 साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, है ना, जब स्ट्रीम, कल की स्ट्रीम आप खुद देख लेना कि आप कितना इरिटेटिंग साउंड कर रहे थे। वो आपको कर रहा था, मैं खुद को नहीं कर रहा था। नहीं आपको खुद नहीं, को पूरी कैसे दुनिया करोगे? नहीं, वो भाई तो वो वहां जो जो दो चार यानी कि मुस्लिम थे ना, उनको तो बड़ा मजा आ रहा था, उनको तो इरिटेशन नहीं हो रही थी, नहीं लेकिन नहीं आपके जो बिल्कुल सारे एथिस्ट इरिटेटिंग थी। फॉलोअर ठीक थे ना वहाँ, वो तो ऑफकोर्स होंगे ना है इरिटेट, सर, देखें जिस वक्त जो जो आप एथिस्ट फॉलोअर हैं टैटे वो तो करते होंगे रहेंगे, ना जब आप टैटे भाई। करते अब रहेंगे हम मौजू पे और बात करें। आप हाँ, एविडेंस नहीं मौजू पे प्रेजेंट अच्छे से करेंगे बात करें, आप मौजू पे तो अच्छे से चिल लेके बात करें। आपकी आवाज जो है ना, आप जिस अंदाज में बात करते हो ना, काफी इरिटेटिंग है। पता नहीं आप वो PhD है, डॉक्टर साहब है, अगर बच्चों को पढ़ाने भी जाते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा, तो प्लीज आप चिल करके बात करिए प्लीज। ओके, चिल करके बात करते हैं। तो यार तुम जी लोग बात करने नहीं देते हो, असल दिक्कत ये है ना। तो थोड़ा ब्रेक अरे लगाया करो ना साहब, डॉक्टर यार, तो साहब मेरे थोड़ा ब्रेक टाइम लगाया देखो, करो। मेरे टाइम में तो मुझे बोलने दे दो ना। आपने क्लेम क्या ठीक, किया था? आपने क्लेम ये किया था कि मूसा की शरीयत में, मूसा के जमाने में मूसा ने अपनी आयतों को चेंज कर दिया अल्लाह के कहने से। मैंने आपसे यही मांगा था, या तो अब आप कहें कि आपके पास उसका एविडेंस नहीं है और आपके अर्ली स्कॉलर्स, पहले आपने कहा था आपके अर्ली स्कॉलर कहते हैं, वहां से आप तोरा में चले गए, वहां पे भी आपने जो दिया वो भी उस चीज को साबित नहीं करता, इससे साबित हुआ कि आपने झूठ बका था। अब आप प्लीज उस बात को वापस लें ताकि हम नई बात पे जा सके किस बात को मैं वापस लूं? कि मूसा की शरीयत मूसा के जमाने में मूसा से नासिख नहीं हुई। तो ये सिर्फ नस्क का ये मफहूम नहीं है ना? आप मुझे फिर नस्क वो का मफहूम नहीं दूसरे समझते? मफहूम क्यों पे बाद में चलेंगे भाई, पहले इस नहीं वाली बात चलेंगे का भाई? जवाब किस दें। बात का अच्छा जवाब? मैडम, ऐसा सवाल करते हम हैं यहाँ डॉक्टर साहब बात से, एक नस्क पे बात मिनट कर एक रहे मिनट हैं, हम यहाँ एक बात मिनट, नस्क के इसको मफहूम थोड़ा पे कर रहे हैं, आसान करते हैं, एब्रिगेशन में आसान खिलाफ। करते हैं डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा आसान करते हैं। जो एडम जो नस के कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, क्या वो आप तौरा से बता सकते हैं जो ये कैटेगरी बोल रहा है? अगर वो नहीं है तो आप बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, मैं ये जो तौरा में बात है ना, कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि है तौरा को, तौरा से नहीं जो नहीं है ये मनसूख किया गया जिस है। तरीके से, एक मिनट X2 साहब, आपने फिर जवाब नहीं दिया। एडम ने जो सवाल किया आपसे, जिस टाइप का नस के बारे में उसने पूछा कि मौसा के जमाने में मूसा ने जो हुक्म दिया था उसको बाद में एब्रोगेट करके नया हुक्म दिया गया, ऐसा वाला आपको तौरा में मिला या नहीं मिला, पहले वो हाँ ना बता दे ताकि फिर आगे बात हो। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको।
वो है, वो है, हाँ तो वो पेश कर दे, वो पेश कर दे, ठीक है, हाँ वो पेश कर दे तौरा से। चलिए मैं देता हूँ आपका जी। बाइबल की पहली पांच किताबें तौरा हैं, उसके बाद बुक्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं, जिस तरह के कुरान भी ये बोलता है कि किताबें दी गई हैं बहुत सारे प्रॉफिट्स को। सो आपने मुझे मूसा की शरीयत मूसा की जुबान से दिखानी है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अगर आप नहीं दिखा सकते तो किसी और प्रॉफिट ने अगर कुछ एब्रोगेट किया है वो सेपरेट चीज है। अभी हम देख रहे हैं मोहम्मद साहब की शरीयत मोहम्मद साहब ने अपने ही जमाने में 23 सालों में बदली। मैंने आपको कहा मूसा की शरीयत तकरीबन 100 सालों के दौरान में आई और वो रेवोल्यूशन चलती रही, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। उस जमाने में 100 साल में क्या नासिख व मंसूख हुई आयात, वो आपने दिखानी थी। अगर नहीं है तो बताएं सर कि आप गलत थे, हम आगे चलते हैं, दूसरी तरह की नासिख व मंसूख देखते हैं। चलिए मैं गलत नहीं था, मैं फिर देता हूँ आपको मिसाल कि आप तोरा की गलत नहीं रिवायत थे, में, मिसाल दें नहीं मैं अभी दे रहा हूँ, तोरा की रिवायत में है कि याकूब अली सलाम के, याकूब अली कौन सलाम से की चैप्टर में, क्या, कौन सी बुक, कौन सा चैप्टर? ये आप अहदनामा जदीद व कदीम देख लें, उसमें बहुत सर सारी मिसालें इस तरह मुझे की है। बताएं कौन से चैप्टर, मुझे मुझे रेफरेंस नहीं देना दिखाएं भाई, रेफरेंस, मैं दे रहा हूँ ना, अपने स्कॉलर्स का दे रहा हूँ, मनाहिलुल इरफान के अंदर ये बात लिखी हुई है। सर नहीं मलाहिलुल नहीं वो इरफान नहीं, ने जो रेफरेंस आप दिया है पहले, आप उसको गलत, मैंने जो मतलब गलत, अगर मैं, आप इसको गलत साबित करें ना कि ऐसा नहीं है, सर मैं दे रहा हूँ अभी आपको रुक जाओ, मनाहिलुल इरफान के मैडम अंदर। एक मिनट, एक्सक्यूज साहब एक मिनट, तौरा से आपने अभी इससे पहले जो वर्ड्स पढ़ी थी वो तौरा से पढ़ी थी या किधर से पढ़ी थी? वो तो एक किताब है तोरा के अंदर ही, तस्निया। हाँ तौरा से ही पढ़ी थी ना। हाँ अब जो आप बोल रहे हो ना वो भी तौरा का, तौरा में कौन सी किताब में है, कौन से चैप्टर में है, कौन से वर्ड्स में, वो पेश करें आप। ये मनाहिलुल इरफान के अंदर ये बात लिखी गई है, अगर आप, आपको लगता है गलत है तो ये आप तौरा उसको है, गलत साबित कर। अरे ये तौरा है तौरा नहीं है तो मलाहिलुल। क्या, अरे आप कह देते हैं ना कि आप फलाने स्कॉलर का हवाला लेके आ जाएं, तो मैं दे अच्छा रहा हूं ना एक मिनट, आपको। नहीं एक मिनट एक मिनट, क्या ये जब आप तौरा का नाम लेके बोल रहे हो कि ये तौरा में है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तौरा का हवाला दे आप? अरे मैं किसकी आपको जिम्मेदारी है? सेकेंडरी में आपको हवाला दे रहा हूँ ना, अगर मैं तो फर्स्ट हम हवाला नहीं दे कहाँ रहा हूँ देखे तो आइए तौरा इनको में, कहाँ आइए, देखे? हाँ ठीक है मैं इसको ढूंढ लूंगा, तौरा में कहा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, एग्जैक्टली, लेकिन तो उसके लिए ये मुझे पॉइंट टाइम आप चाहिए, पेश क्यों मुझे ढूंढना करेंगे? पड़ेगा। नहीं, मैं हाँ कैसे नहीं करूंगा पेश, ये जब हमारे आपका लिए भाई। रेफरेंस नहीं, हवाले के अरे बिना कैसे वो नहीं, आपके पास आएंगे? मैं सेकेंडरी हवाला दे रहा हूँ आपको, अगर मैं फर्स्ट हवाला नहीं दे रहा हूँ तो सेकेंडरी हवाला दे रहा हूँ, तो सेकेंडरी सेकेंडरी हवाले सोर्सेज में इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। एक सेकेंड एक सेकेंडरी, सेकेंड अब भाई सेक, बोलने तो यार दीजिए। सुनो रुको, अब सुन लो, सेकेंडरी सोर्स में अगर उसने कुछ आयात प्रेजेंट की है ना तोरा की, तो वो प्लीज रात को छोड़ भाई दो। ये बिल्कुल वेल नोन है कि, अच्छा ये वेल नोन है, बिल्कुल हर एक को पता है कि याकूब अली सलाम के अकद में जो है दो याकूब के बहनें पास थी। तोरा नहीं थी, भाई याकूब अली सलाम के वो पूरे इसमें आते हैं, रिवायत में आते हैं, यानी याकूब के यहूदी रिवायत में पास, आते हैं, याकूब के यहूदी पास रिवायत में आते हैं, वो सबसे यहूदी पहले रिवायत में आते सुन हैं। लो, सुन लो अब सुन लो, याकूब की 6 बहनें थी, 2 नहीं, कुरान के मुताबिक 2 थी। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखें तो वहां पे 6 थी, तो कुरान बजाते खुद जानता ही नहीं है कि ओल्ड टेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ। नंबर वन। नंबर टू, तोरा जो है वो याकूब की किताब नहीं है, तोरा पहली 5 किताबें हैं बाइबल की, ठीक है। अब आप मुझे बता रहे हैं याकूब याकूब याकूब, याकूब की 2 बहनें, भाई तोरा में तो याकूब की 6 बहनें हैं, तो पहले तो आप यहीं पे गलत हो गए, या वो गलत है या ये गलत है। तो अब सबसे पहली बात, आप 2 किताबों को, 2 थियोलॉजीज को जब मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो आप वहीं पे फंस जाते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा ये मानना है कि तोरा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, और अगर कुरान इररिलेवेंट में जो, मैं इररिलेवेंट, बोल, आप बीच में बोलोगे, मेरे आप नासिख व अब बीच, अब मंसूख की यार बात बीच में बोलोगे, आप बीच में बोलोगे, आप अच्छा ये ठीक है, उनको बोलने दो बोलने दो, बोलो बोलो हो गया डॉक्टर साहब। ना। तो सबसे पहली बात कि तोरा इज नॉट प्रोटेक्टेड एज पर मुस्लिम्स, तो अगर कुरान में दो बहने आया है तो हम उसको दो बहने मानेंगे, हम 6 नहीं मानेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि तोरा इज नॉट प्रोटेक्टेड, और यहूदी बोल दिया ना, रिवायत। एक बात को बार बार रिपीट नहीं अरे करो ना डॉक्टर यार साहब, मैं बोलने दो ना यार मुझे, मैं रिपीट ये कर रहा हूँ, क्या नॉट प्रॉब्लम प्रोटेक्टेड है। आपने कितने बार बोला, आप अरे खुद यार तो मुझे गौर करो। बोलने दो ना यार, अरे क्या है यार, मुझे बोलने दो ना, क्या दिक्कत है अच्छा आपकी, बोलो, मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट नहीं करो एक ही चीज को, बोलिए। ठीक है। उसके बाद ये विल विल एस्टैब्लिश्ड है कि उनके अक्द में दो दो बहनें एक साथ थी, और इसको खुद उसी यहूदी रिवायत ने
یہودی روایت نے اس چیز کو ختم کیا. تو یہ کہنا کہ اور کسی دوسری روایت میں ٹریڈیشنز میں نسخ کا تصور نہیں پایا جاتا ہے, ایک تو پہلی بات آپ کا خود اپنا نسخ کا تصور ادھورا ہے. آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے قرآن کو نسخ کرنا یہ نسخ ہے, قرآن کو تورا کو نسخ اگر قرآن کر رہا ہے تو یہ نسخ نہیں ہے. ایک دقت. اس کے بعد دوسرا کہ ایک روایت کے اندر ہی ایک روایت خود اپنی روایت کو منسوخ کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ اصل یہی ہوتا ہے کہ ایک روایت, اب اب آپ کہہ دو کہ دوسرا پروفیٹ آ کے اگر کر رہا ہے تو شریعت تو وہی ہے نا, روایت تو وہی ہے, شریعت جو ہے وہ وہی روایت کے اندر ہے. تو اصل چیز شریعت ہے, روایت ہے, اس شریعت کے اندر کتنی کتابیں آئی ہے یہ اصل نہیں ہے, کیونکہ قرآن ایک اپنے آپ میں ایک شریعت ہے. اگر وہ 10 کتابوں میں ہوتی تو وہ اسلام شریعت ہوتا. تو یہودی روایت یہ اپنے آپ میں ایک شریعت ہے. ٹھیک ہے, آپ بول لو. آپ میرا ٹائم ختم ہو گیا کیا؟ ہاں یار, آپ نے ٹائم سے زیادہ ہی بول لیا ایسا سمجھو. کافر کرش بھائی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت بہت شکریہ. بائی دا وے ایڈم, کمیونسٹ بیسٹ ویپن از ٹو ریڈیکیول اینڈ ڈیریل ٹاپکس, ول کلیم اے لاٹ بٹ نیور گیو اینی ایویڈینس اور ریفرنس, برنگ دیم آن یور ٹرف. تھینک یو کرش بھائی. اچھا ایڈم, انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہے, اس پہ آپ کا کیا ریسپانس ہے, پلیز پیش کریے. سر مجھے اس کے ریسپانس نہیں کرنا. قرآن یہ مسلمانوں کے مطابق کرپٹڈ ہے یا مسلمانوں کے مطابق کرپٹڈ ہے, سو وٹ. رائٹ ناؤ ہم بات کر رہے تھے ناسخ و منسوخ پہ, مجھے دوبارہ واپس جانا ہے, میں نے واپس لانے کی کوشش کی تھی, واپس نہیں آئے تھے. سو رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ کیئر وٹ ہی سیز, بیکاز یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے. میں ٹاپک کروں گا ایک جس میں میں دکھاؤں گا کہ قرآن کے مطابق جو ہے نا تورا اور انجیل جو ہے اس کے اوپر کوئی کرپشن قرآن تو نہیں کہتا, تو وہ ایک سیپریٹ بات ہے. ابھی آج کی بات جو میں کر رہا ہوں ناسخ و منسوخ, یا تو یہ ایویڈنس پریزنٹ کریں یا پھر یہ کہیں کہ جی میں نے غلط بولا تھا, آئی ایم سوری. دونوں میں سے ایک بات تو یہ کریں گے, نہیں تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. اچھا انہوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ وہ یعقوب والا جو قصہ ہے وہ بھی تورا میں آتا ہے, وہ کتنا ویلڈ ہے؟ نہیں, یعقوب والا قصہ تورا میں نہیں آتا. دیکھیں یہی تو پرابلم ہے نا. آپ ہر چیز کو, ہاں آپ ہر چیز کو نا اسلامک ڈاکٹرن سے دیکھنا شروع نہیں کر سکتے. مجھے یا تو یہ بتائیں کہ یعقوب قرآن کے مطابق تورا میں ہے ایگزیکٹلی ایکسپلیسٹلی. اگر یہ نہیں بتاتے تو ان کے اپنے اسکالر اس چیز کو نہیں مانتے. میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. ہاں یہ کلیریفیکیشن پہلے وہ دے دینا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. کیا میں سمجھا نہیں کوشچنز کیا؟ ایک تو سب سے پہلے بات آپ, میں ایک پوائنٹ دے دوں کہ آپ کا جو نسخ کا مفہوم ہے وہ آپ کلیئر نہیں کر رہے ہو کہ آپ کا نسخ سے سمجھتے کیا. سب سے پہلے یار ایسا کریں, نیکسٹ ٹو, رک جائیں آپ ایسا کریں, گو بیک واچ دا سٹریم, 4 گھنٹے کی کمپلیٹ ٹیچنگ آن دا نسخ ہے, آپ اس کو واچ کر لیں. نیکسٹ سیٹرڈے کو آئیے گا اور اس پہ بات کیجئے گا, کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہم نے ایکسپلین نہیں کیا تو 4 گھنٹے میں ہم نے آپ کو امب بھی نہیں سکھایا. تو وہ سیکھ لیں, دیکھ لیں, تاکہ آپ کا کمپلیٹ ریفیوٹیشن ہو, ورنہ ریفیوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ 4 گھنٹے کی ٹیچنگ آپ کو دوبارہ نہیں دے سکتا. اور یہ جو ہنسنے والی کہانی ہے نا, یہ میرے ساتھ نہ کیا کریں. مجھے پتا ہے آپ جیسے اوکے, آپ جیسے بہت مجھے پتا. میں نکال دیا, کک آؤٹ کر دیا اس کو میں نے. جب وہ دیکھ لے گا, جب وہ بات کر لے گا نا, دیکھو یہ جو بیچ میں ہنستے ہیں نا یار, دیکھو پتا کیا ہوتا ہے, ایک سمپل سی بات ہے ساحل صاحب, میں بڑے اچھے طریقے سے چلنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ جو اس ٹائپ کے کچھ لوگ آتے ہیں نا, یعنی ہمارے محلے میں ہوتا ہے, آپ موٹر سائیکل پہ لے کے نکلے نا تو گلی کا کتا بھونکنا شروع کر دے گا بلا وجہ. لائک یار تم جب بات کر رہے ہو میں میوٹ کر کے بیٹھا ہوں, میں بولا ہوں اس کے بارے میں بالکل میوٹ, میں اپنا مائکروفون بھی میوٹ کر دیتا ہوں کہ یار چلو بول لے بندہ, لیکن جس وقت میں بات کر رہا ہوں اس کا بنتا ہے کہ بیچ میں سانس لینا, ہنسنا. کم آن مین, لائک یہ بات پتہ کیا ظاہر کرتی ہے سر, یہ اسلامک ٹیچنگ کو ظاہر کرتی ہے. حالانکہ پی ایچ ڈی ہے, ڈاکٹر ہے یہ, وہی اسلامک ٹیچنگ کو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ان کو عزت دیتے ہیں, ریسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن جب یہ نہیں نا دیتے تو پھر پرابلم یہ ہے کہ پھر مجھے بھی ان کو دکھانا ہے کہ کس مٹی کے بنے ہوئے. میں اس لیول پہ جانے کو تیار ہوں ان لوگوں کے ساتھ, اچھا بندے کے ساتھ یار پیار سے بات کرو, ایون تمہارے ساتھ, حالانکہ تم نے لاسٹ ٹائم اتنی بدتمیزی کی, میں تمہارے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں. لیٹ می بی ایٹ دیٹ پرٹیکولر لوکیشن. ڈونٹ میک می, نہیں نہیں, آئی کیک ڈیمو. نو نو, آئی کیک ڈیمو. اگر ہمارے ڈاکٹر X2 صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ پلیز ایڈم اور جو بردر اسامہ ہے انہوں نے جو ایکسپلین کیا تھا وہ پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کر کے سنے پہلے, اور اس میں کہاں کہاں آپ کو پرابلم لگا وہ نوٹ ڈاؤن کرے, اور دلیلوں کے ساتھ آپ سیٹرڈے کو آ جائے.
देखिए ठीक है ना, ये चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए प्यार से बात करें, मैं आपसे अगर प्यार से बात करूं, आप मुझसे प्यार से बात करें, आई हैव नो इश्यूज, राइट? हमारे लेकिन अगर आप ये जो बीच में हादसे और ये और वो और अपने आप को जी मैं बहुत जिन हूँ, और जब आपको बताया गया कि यार आप नहीं प्रेजेंट कर सकते, यार से ओके आई डोंट हैव इट, आई थॉट कल की उनकी ग्रेविटी के ऊपर जो है बड़ी भारी सी जो रेफरेंस रेफरेंस कर रहे थे, वो किताब हमने देखी थी कि कितना ग्रेविटी के बारे में जिनका नाम लिए उन्होंने बताया है, तो वो भी इनकी पोल खुल गई थी कल। हाँ वो और वो तो पहले ही पोल खोल दिया था कि ग्रेविटी के जो चीज ऊपर जाती है नीचे आती है, वो उससे पहले पहली सदी ईस्वी में किसी बंदे ने ऑलरेडी दिखा दिया हुआ था, और वो हमने लाइव स्ट्रीम में दिखा भी दिया था उस बंदे का नाम। सो कॉपी पेस्ट है सर, ये रिलीजन भी कॉपी पेस्ट है 100%, हर चीज इसमें कॉपी पेस्ट है, इनके स्कॉलर भी कॉपी पेस्ट है। तो अब देखो ना, ये कमेंट में है एक्सटू साहब, आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप जो स्ट्रीम चली है एडम ने और ब्रदर ओसामा ने जो एक्सप्लेन किया है नासिक और मनसूख के ऊपर, वो आप सुन ले, ठीक है? उस पे पेन और पेपर लेके नोट डाउन करे कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम लगी और कहाँ कहाँ आपको रेफर करना है। ये ले, हाँ ये देखे, अब अगर ये अब इसने बदतमीजी की है तो फिर ये इसके ऊपर होगा, बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने निकाल दिया। अगर ये तमीज से बात करे, इस तरीके से हास्य मजाक ना करे, व्हेन आई एम म्यूटिंग माय सेल्फ जिस वक्त ये बात कर रहा है, तो इसको तमीज से रहना चाहिए, हास्य मजाक बीच में, ये मैं इसका दोस्त यार नहीं हूँ, इसका छोटा भाई भी नहीं हूँ, इसको चाहिए अपने दोस्त छोटे भाई और दोस्तों यारों के साथ ये हरकतें करें, यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ इसको। एक्सट्रू साहब जी जनाब, बहुत अच्छा किया आपने, कुत्ता बोला और स्ट्रीम से बाहर कर दिया, गुड वेरी गुड, चलिए अच्छा अच्छा, अच्छा सुनिए, अभी अभी देखो एकदम, जब आप नहीं बोल रहे हैं ना, जब दूसरे की बारी है आपको हंसी भी आ रही है ना, तो आप म्यूट करके हंस लेना साहब, भाई बीच है ना? में वो भी तो आपके एडम साहब भी बीच में, नहीं एडम साहब भी तो बीच में बोलते रहते हैं ना मेरे, तो आप तो उनको कुछ नहीं बोलते है क्या? हंसता हंसता है क्या वैसा? नहीं मैं म्यूट था साहिल, और वो तो म्यूट म्यूट था ना यार, अच्छे से डिस्कशन सर, मैं आपका कुरान आपका कुरान बोलता है ना हम सबको ऐसा ही, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर, काकरोच से भी बुरा बोलता है कुरान, बाकी बातें तो छोड़ दो, काकरोच के ऊपर भी जरा कुछ है इतलाक। एनी हाउ साहिल, जब आपने कहा था कि एडम, एक सेकंड बाद में देना, साहिल जब आपने मुझे कहा था कि एडम तुम कुछ जवाब दोगे, मैं तब बोलना शुरू हुआ था, उससे पहले मैंने आपको म्यूट रखा हुआ था, तो ये किस हिसाब से बोला, मैं बीच में बोल रहा था। अच्छा अभी अभी इसको फ्रेश यहाँ से लेते हैं, एक्सटू साहब को अगर डिस्कशन करना है अच्छे से तो बीच में ना बोले, म्यूट कर ले, म्यूट करके जितना हंसना है आप हंस सकते हो, कोई कैद नहीं है, लेकिन कम से कम अनम्यूट करके मत हंसे एक्सटू साहब, अच्छे से बात करें ना यार, अच्छे आदमी लग रहे हैं आप, और आपके पास हो सकता है काफी दलीलें भी हो, तो वो दलीलें जो है आनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सटू साहब आप ये बताइए कि इसको कैसे आगे लिया जाए, क्या आप वीडियो देखकर कमिंग सैटरडे पूरा नोट डाउन करके रेफरेंसेस के साथ आना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं कह दूं कि नस्क का जो तसव्वुर इस्लाम में पाया जाता है वो ये है कि कोई भी किताब, कोई भी अल्लाह का कोई हुक्म एक हुक्म के बदले में आ जाए, दैट्स कॉल्ड नस्क। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है एडम जी, तीन तरह के नस्क दिखाए हैं मैंने आज अपनी स्ट्रीम में, अगर ये उन तीनों नस्खों पे एग्री करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, और अगर नहीं एग्री करते तो मेरे साथ इसके ऊपर बहस कर लें, और वो तभी इन्हें पता लगेगा जब वो स्ट्रीम देखेंगे। अगर वो नहीं देखते तो इन्होंने जो आज क्लेम किया था कि मूसा की शरीयत मूसा ने खुद चेंज की थी, उसकी आयात मुझे ला के दिखा दें, वरना ये दोनों जगहों पे झूठे करार पाएंगे।